पाक फौज का बल्टोरो ग्लेशियर पर रेस्क्यू ऑपरेशन। आर्मी एविएशन के पायलट्स में दो गैर मुल्की कोहपेमा रेस्क्यू कर लिए। आईएसपीआर के मुताबिक कोहपेमाओं में अमेरिका से डॉलन एलन और फिनलैंड की ल्यूटेंट शामिल हैं। तो आपको बता रहे हैं कि आर्मी एविएशन के पायलट्स में दो गैर मुल्की कोहपेमा रेस्क्यू कर लिए गए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक कोहपेमाओं में अमेरिका से डॉलन एलन और फिनलैंड की लॉर्ड हिंजिका शामिल है। आपको बताएं कि पाक फौज का बल्टर ग्लेशियर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आर्मी एविएशन के पायलट्स में दो गैर मुल्की कोहपेमा रेस्क्यू कर लिए गए हैं। तो आपको बता रहे हैं कि पाक फौज का बल्टर ग्लेशियर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आर्मी एविएशन के पायलट्स में दो गैर मुल्की कोहपेमा रेस्क्यू कर लिए गए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक कोहपेमाओं में अमेरिका से एक और फिनलैंड से एक कोहपेमा शामिल हैं। तो आपको बता रहे हैं कि पाक फौज का बल्टर ग्लेशियर पर रेस्क्यू ऑपरेशन, आर्मी एविएशन के पायलट्स में दो गैर मुल्की कोहपेमा रेस्क्यू कर लिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं सगीर चौधरी से। जी सगीर, बताइएगा। देखो, आर्मी एविएशन की जानिब से एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और दो गैर मुल्की कोहपेमा जो कि मौसम की शिद्दत की वजह से फंस गए थे दोहा में कोहपेमा, तो वहां पे उसको हिफाजत किया गया है। अभी उनकी जो तबीयत है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि मौसम की शिद्दत की वजह से उनकी तबीयत जो है वो खराब है, लेकिन दोनों जो गैर मुल्की थे उनको बाहिफाजत जो है वो रेस्क्यू किया गया। आर्मी एविएशन की जानिब से जो आर्मी एविएशन के पायलट थे उन्होंने बड़ी महारत और पेशावराना साहितों का मुजाहरा करते हुए दोनों जो कोहपेमा थे गैर मुल्की उनको बाहिफाजत जो है वो रेस्क्यू किया है। अभी उनको एडमिट किया गया है और उनका इलाज मुआवजा जारी है, और ये आर्मी एविएशन की जानिब से इंतहाई जो है वो पेशावराना साहितों का मुजाहरा करते हुए उनको निकाला गया है। जी जी सगीर अहमद, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए।